हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल सा टेस्टी सा स्नैक्स जो खाने में बहुत टेस्टी है और बनाना भी आसान है। ये झटपट से बनकर के तैयार हो जाता है, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है। अब हम लेंगे ग्रेटर। अब हम एक लेंगे उबला हुआ आलू, हम इसे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, आलू पूरा अच्छे से हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते। अब इसमें हम लेंगे थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार और इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपके घर में कभी किटी पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे, आप इसे मॉर्निंग में तैयार कर लीजिए और जब आपका शाम का पार्टी का समय हो तब आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने डो अच्छे से लगा लिया है। अब एक बाउल लेंगे, उसमें हम लेंगे 1.5 चम्मच मैदा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसका पतला सा घोल बना लेंगे हम। ये देखिए, घोल बन करके तैयार है। अब इसे हम साइड में कर देंगे। अब हम लेंगे डो जो हमने तैयार करके रखा था। अब इसमें से हम करेंगे 2 पार्ट। अब इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम लंबाई का शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब इसे थोड़ा सा हम प्रेस करते हुए चौकस कर लेंगे। अब मैंने लिया एक फॉर्क, काटे वाला चम्मच, जिससे हम इस पे बना देंगे निशान, जिससे हमारा नाश्ता दिखने में सुंदर लगे। ये देखिए, अब मैंने लिया एक चाकू, चाकू की मदद से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे से बन करके ये तैयार हैं। अब इन सबको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और बाकी बचे नाश्ते को इसी तरीके से हम बना लेंगे। अब हम लेंगे मैदे का घोल और थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब। अब हम मैदे को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम एक नाश्ते को उसमें मैदे में डिप कर देंगे। अब उसे हम ब्रेड क्रम्ब में रख करके कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब ना हो तो आप ब्रेड को मिक्सर में चला लीजिए। अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक एक नाश्ता हम डाल देंगे और गैस फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे सेकना है। 2 मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। अब फिर से 2-3 मिनट बाद इसे हम फिर से पलट लेंगे। ये देखिए, एकदम अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ गया है इस पर। इसी तरीके से हम इसे अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। 2 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे। हमारा आलू का स्नैक्स बन करके तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी लगता है ये। और इसी तरीके से हम बाकी के बचे नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारा नाश्ता बन कर के रेडी हो चुका है। इसे हम टमाटो केचप के साथ सर्व कर लेंगे। बहुत टेस्टी लगता है ये। आपको मैं एक तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।